सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कम से कम 10-12 लड़कों को, 10-15 लोगों को, मेन लोगों को सबको फोन करिएगा, ठीक है? तुरंत तुरंत, ठीक है। जी, किस तरह का मामला था जो ये समुद्री है? ये बिटिया अपने मामा के यहाँ जा रही थी हाथरस। जब ये हाथरस जा रही थी तब ये दोनों लड़के, लड़की के मुताबिक बता रही हूँ मैं, तो लड़की ने बताया कि मैं अपने मामा के यहाँ जा रही थी और नाना नानी के यहाँ जा रही थी, और उस समय ये लड़के मुझे मिले और ये मुझसे बात करने लगे, और उसके बाद मैंने मना कर दिया बात करने के लिए, तो रुमाल से कुछ सुंघाया और ये मुझे कहाँ ले गए इसका कोई पता नहीं है। जब ये सुबह जागी है, बेहोशी इसकी टूटी है, तब इसने बताया कि मुझे पता लगा कि बातचीत के दौरान कि मैं ऊपरकोट क्षेत्र के अंतर्गत हूँ। ऊपरकोट क्षेत्र के अंतर्गत जब ये बिटिया पहुँच गई है और रात को इसके साथ जो घटना घटित हुई है, उस लड़की के मुताबिक उसने सारी बात बताई। सोहेल और इमरान नाम के दो लड़के हैं, और जो लड़के हाथरस में किराए पर रहते थे, कुछ जान पहचान हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी घटनाक्रम करना और सुबह इस लड़की को कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ नहीं ले जा रहे थे, ये पता नहीं है। और जिस समय ले जा रहे हैं तो इस लड़की ने शोर मचाया होगा, और शोर मचाने पर ये लड़के पकड़े गए वहाँ पर एज ए स्पॉट। और उसके बाद में हिम्मत देखिएगा, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग, कम से कम 150-200 की संख्या में वहाँ पर पहुँच गए। और अभी सुरेश कचौड़ी वाले की घटना अभी ताज़ा घटना हुई है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, और उसके बावजूद अगर जरा सा भी प्रशासन चूक कर जाता तो इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती, या अपना ही समाज लोग के लोग अगर जरा सी चूक कर जाते, या जिस तरीके से वो उतर करके आए और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, तो ये अच्छी घटना नहीं है। कुल मिलाकर के कॉपरेट करना चाहिए, और उस लड़की को खींच कर ले जाने का प्रयास करने लगे थे क्या, तब वहाँ के क्षेत्र के रेलवे रोड के लोगों ने उस लड़की को बचाया है। तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ क्या? हाँ, बलात्कार हुआ है, वो लड़की खुद बता रही है, अपने आप उसने बताया, सारी घटनाक्रम उसने बताया है। तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है, 15 साल की बिटियाओं को बेला फुसला कर ले जाकर। मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि जिस इमरान की बहन बहनोई के घर में वो लड़की रही है, जहाँ ये घटना घटित हुई है, जिस घर में ये घटना घटित हुई है, जिस घर में ये इतने बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, उन लोगों की गिरफ्तारी होना अति आवश्यक है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोजिनी। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरी लड़की नजर गई थी, बस यही मुझे पता है, उसके बाद है मुझे कुछ नहीं पता। क्या नाम है? लड़के मिले थे, वो लड़की को बेला फुसला के उसे सुंघा दिया, कुछ ले गए, बस इतना ही मुझे सब पता चला। दोनों ने आपकी बेटी के साथ गलत काम किया है? किया होगा, जब ले गए हैं तो ऐसे कुछ नहीं है, छोड़ दे कोई। संगीता वासनी जी, आज क्या प्रकरण हुआ है थाना दिल्ली के? आज फिर वही हिंदू मुस्लिम वाला, लेकिन आज तो बिल्कुल उस मुस्लिम लड़के ने सीमा पार कर दी। आज मुस्लिम लड़के ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद में भी सीना तान के छोड़ के चल रहा था कि मेरा कुछ न, 1-1.5 साल से मेरा संबंध है और मैं हमेशा, और ये वो तो ये कह रहा था कि साहब लड़का, लेकिन लड़की का बयान ये है कि इसने मेरे साथ में जबरदस्ती की है, और जबरदस्ती करने के बाद में उसके साथ वो दोनों, बस मैं इतनी गुस्सा में हूँ इस समय कि अगर वो मुझे लड़का मिल जाए, लड़की को मैं बहुत समझाया आई हूँ, उसकी माँ के हवाले कर आई हूँ, अगर वो लड़का मेरे सामने पड़ जाए तो बस आज में, आज उस लड़के की खैर नहीं है। हो सकता है कि एक थप्पड़ नहीं, उस समय तो मैंने 2-3 मारे थे, हो सकता है कि इस समय मेरे हाथ इतने चले कि जो लड़का आगे भविष्य में इस गलती करने के लिए, और शायद इसके माँ बाप को भी इस बात का सबक मिल जाएगा, आगे ऐसी गलती कभी ना हो। और मैं कहती हूँ मुस्लिम समाज को इस बात का सबक मिलेगा कि अगर ये इनके लड़के अभी भी नहीं सुधरे तो आगे इन लड़कों के साथ में न जाने क्या क्या होगा, ये लोग सोच भी नहीं सकते कभी भविष्य में। अभी कुछ नहीं, सब चीज बता दें, अभी बता देंगे, सब बता देंगे, अरे आप बता दो आप कहाँ से लेके आए? हमारे अधिकारी बताएंगे, अभी कुछ नहीं, अधिकारी बताएंगे आपको, सब चीज बताएंगे सर, बाद में आ जाएंगे। तुम अपने को बोले, आप मेरे संग आओ ना, पहुंचो, मैं आ रहा हूं, हम ना वहां पे आ जाना, महिला थाना पे लोग आओ, ऐसी है मेरे चार, मैं पता नहीं क्यों क्या आप लोग परेशानी ऐसी बातें कर देते हो जैसे